नमस्कार, रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो कार्तिक चिदंबरम के गिरफ्तार होने के, लेकिन उससे पहले 3 दिन के मीडिया के राष्ट्रीय शोक के बाद आज हिंदुस्तान कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए तैयार है। लेकिन पिछले इन 3 दिनों में कुछ ऐसे दो लोग हमारे बीच नहीं रहे जिनके बारे में किसी भी मीडिया हाउस ने आज तक कोई भी खबर नहीं पहुंचाई। सबसे पहले TRS सुब्रमण्यम जी जो हमारे बीच नहीं रहे, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे। इनके बाद प्रोफेसर यशपाल जी जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के सबसे बड़े जनक माने जाते थे, उनका भी देहांत हो गया और उनके बारे में भी किसी भी मीडिया हाउस ने अब तक कोई भी खबर नहीं पहुंचाई। बहरहाल, नीरव मोदी एक बहुत बड़ा नाम पिछले 4-5 दिनों से पहले तक यही था। हर न्यूज चैनल, हर खबर, हर अखबार सिर्फ नीरव मोदी के नाम से भरा पड़ा था। श्रीदेवी जी की खबर के आज चलते नीरव मोदी के नाम को कहीं दबा दिया गया, छुपा दिया गया और मिटा दिया गया और उनकी जगह ले ली कार्तिक चिदंबरम, जो कि पी चिदंबरम यानी पूर्व वित्त मंत्री के जो सुपुत्र हैं उन्होंने ले ली। हमारे कुछ बड़े उद्योगपतियों ने और बड़े राजनेताओं ने अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखा दिया है कि साहब, ये जो देश है ये आपकी जागीर है, इसको जितना लूट सकें लूटें, जितना इसको एक्सप्लॉइट कर सके करें, और जो है मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ और मैं तुम्हें बचा लूँगा। यही कुछ हुआ कार्तिक चिदंबरम के साथ। मामला है ये सन 2007 का। पी चिदंबरम हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी की कंपनी थी INX मीडिया, जिन्होंने न्यूज एक्स नाम की एक न्यूज चैनल की भी शुरुआत करी थी। पीटर और इंद्रानी जो है FIBP यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बोर्ड के जरिए हिंदुस्तान में 305 करोड़ रुपए का भारत में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे अपने कंपनी के लिए। इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी वो थी 305 करोड़ रुपए, जहाँ पे उनको जो सर्टिफिकेशन मिला था वो मिला था 4 करोड़ और 62 लाख रुपए का। यहाँ पे काम आए कार्तिक चिदंबरम। कार्तिक चिदंबरम को 10 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। कार्तिक चिदंबरम ने अपने पिता को इन्फ्लुएंस किया कि ये सर्टिफिकेशन जो है इन लोगों को दे दिया जाए, जो कि कुछ फेरबदल के बाद, कुछ तिगड़म जो इन्होंने लगाई चिदंबरम साहब ने, उसके बाद इनको ये सर्टिफिकेशन दे दिया गया और वो 305 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो हिंदुस्तान में आ गया। उसके बाद आप सभी को पता है आज पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं। लालच बहुत बुरी बला होती है, जेल की हवा क्यों खा रहे हैं, वो खुद की बेटी की कत्ल के इल्ज़ाम में आज अंदर हैं। CBI ने चिदंबरम के बेटे यानी कार्तिक चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 15 दिन के रिमांड में भेजने की सिफारिश करी थी, लेकिन कोर्ट ने ये सिफारिश ठुकरा दी और उनको सिर्फ 1 ही दिन की रिमांड के लिए भेज दिया। अब यहाँ पे मजे की बात यह है, एक बड़े नेता, एक बड़े ताकतवर नेता का अगर बेटा है उसको 15 दिन की रिमांड घटाकर 1 दिन कर दी जाती है, वहीं एक अगर आम इंसान जिसने कि शायद वो गलती ना भी करी हो उसको बिना किसी पूछताछ के महीनों जेल में भेज दिया जाता है। खुशी हमारी ये है कि कुछ तो बात आगे बढ़ी, जो मसला 2007 से 2018 तक खिंच चुका है, आज पी चिदंबरम के साहबजादे जो हैं जेल की हवा खा रहे हैं। कब तक चिदंबरम साहब बाहर रहते हैं ये देखने की बात है, क्योंकि इनका भी नाम FIR में दर्ज है। अब यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए नीरव मोदी जो कि एक बड़ा नाम रहा पिछले 10-15 दिनों तक मीडियाज में, और आज जब CBI ने उसको चिट्ठी भेजी, ईमेल लिखा कि आपको जो है CBI के दफ्तर पे आना होगा, आप जहाँ कहीं भी हैं पूरे दुनिया में वहाँ के इंडियन हाई कमीशन पे जाएं, अपने आप को सरेंडर करें और हिंदुस्तान वापस आएं, यहाँ पे जो भी आपने घपले करे हैं उसका सामना आपको करना पड़ेगा। नीरव मोदी की हिमाकत देखिए, उसकी हिम्मत देखिए, उसने उस ईमेल पर भी जवाब दे दिया कि वो नहीं आएगा। हिम्मत देखिए, ये उसके पापा हैं या फिर उसके कुछ ऐसे ताकतवर दोस्त हैं जिन्होंने उसको इतनी हिम्मत दे दी कि वो हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। खैर, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, अब उसके साथ किसी ने तस्वीर खिंचाई है तो ऐसे थोड़ी आएगा। अगर मोदी साहब चाहें, जो कि नहीं चाहते थे, पिछले 10 दिन तक मौन व्रत धारण किया हुआ था, उसके बाद अभी वो
कल कुछ बोले हैं, और जो बोले भी हैं उसमें ना ही उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया है ना ही उनके मामाश्री का नाम लिया है। ऊपर ऊपर से बोल दिया कि साहब हम हमारे जो देश का पैसा है वो किसी और को हम लेने नहीं देंगे, हम जो हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई आप कितनी कर रहे हैं हम सभी को दिख रहा है। मोदी साहब थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी हिमाकत करें, और ऐसे जो बाप हैं जो अपने बेटों को शह देते हैं उनको भी धर दबोचें, और ऐसे लोग जो कि हमारा पैसा विदेशों में लेके जाके बैठ कर हम ही को आंखें दिखाते हैं उनको भी धर दबोचें और पकड़ के हिंदुस्तान लेके आए और हमारा पैसा हिंदुस्तान में वापस लें, उनसे छीने। अब कुछ बड़े ताकतवर पिताश्रियों के बड़े ताकतवर बेटों की जब बात आती है तो हम अमित शाह के बेटे यानी जय शाह के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। कुछ समय पहले द वायर ने एक खबर छापी थी जय शाह ये जो कि अमित शाह के सुपुत्र हैं उनके कारोबार के बारे में, जो कि 2015 में शुरू हुआ सिर्फ 50 लाख रुपए में से, और वो आज सैकड़ों करोड़ों की एक कंपनी बन चुकी है। जैसे ही ये खबर द वायर ने छापी, फौरन द वायर के ऊपर अमित शाह और अमित शाह के बेटे के द्वारा और बीजेपी के द्वारा मानहानि के दावे और 100 करोड़ रुपए का जो है सूट फाइल किया गया था। ऐसे जो ताकतवर नेता हैं ये आखिर कोशिश क्या करते हैं, या तो आपको डराए, आपको धमकाएंगे, आपको डराएंगे, सीना जोरी करेंगे। चोरी तो हम करेंगे साहब, लेकिन हम आपसे सीना जोरी भी करेंगे, चोरी चोरी के ऊपर सीना जोरी। तो अमित शाह के जो बेटे की जो खबर है द वायर ने हिम्मत करके छापी थी, केस भी आज लड़ रहे हैं, उसके फौरन बाद तमाम बीजेपी के बड़े नेता जय शाह के सपोर्ट पे उतर आए थे, अमित शाह उतर आए थे, पूरा बीजेपी का खेमा जय शाह के सपोर्ट पे खड़ा हुआ था। अब आप ये देखिए, एक बड़े और ताकतवर नेता का अगर बेटा है तो वो कुछ भी कर सकता है। आप और मैं जो कि हम कायदे से टैक्स पे करते हैं, कायदे से वो तमाम चीज़ें करते हैं जो सरकार हमें करने को बोलती है, तब हमें इस तरह के केस का सामना करना पड़ता है, इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, आप तक वो सच पहुंचाते हैं जिस सच को सुनने का आप सभी को हक है। मोदी साहब से कुछ दो दरख्वास्तें हैं हमारी कि नीरव मोदी के जो केस है इसको आप गंभीरता से लें, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 11,400 करोड़ रुपए का मामला है। पी चिदंबरम जी के बेटे का जो मामला है वो भी कुछ 10 लाख रुपए का मामला नहीं है, इनके ऊपर और भी तमाम केसेस लगे हैं, हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने करी है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों ही आपके बहुत करीबी माने जाते थे, नीरव मोदी को आप विदेश यात्राओं पर लेके जाते थे, तस्वीरें खिंचाते थे, मेहुल चौकसी को आप भाई बोलते हैं, तो आप इनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि पी चिदंबरम के बेटे के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि उन तमाम नेताओं के बेटों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो कि हमारे देश को लूट रहे हैं, उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, उन तमाम बिजनेसमैन के ऊपर भी कार्रवाई हो जिन्होंने हमारे देश को लूटा है या फिर लूटने की कोशिश करी है, उन तमाम लोगों के नाम जाहिर करे जाए, बाहर निकाले जाए जिन्होंने बैंकों का पैसा ले रखा है, हड़प रखा है, बैठे हुए उसके ऊपर और वो पैसा देने को तैयार नहीं है। आप में अगर हिम्मत है, अगर आप में हमारे देश के लिए कुछ करने की ताकत है, उनके पासपोर्ट्स आप अपने पास रखें, जब्त करें, कैंसिल करें, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज जब्त करें ताकि वो विदेश ना भाग सकें। ऑलरेडी हमारे 3-4 बड़े स्मार्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, स्मार्ट बिजनेसमैन बाहर जा चुके हैं जो आज तक वापस नहीं आए हैं, जो कि बाहर बैठे बैठे आपको और मुझे हम सबको आंखें दिखाए जा रहे हैं, और आप देश को सिर्फ यही दिखाते रहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं देश का चौकीदार बना हुआ हूँ, पर चौकीदार की सीट के नीचे से ही हजारों करोड़ रुपए जो है लेके कोई इंसान भाग जाता है, और उसको पकड़ने के लिए किसी भी तरह की कोई भी मशक्कत, कोई भी मेहनत आप लोग नहीं कर रहे हैं। 10 दिन की चुप्पी के बाद आपने चुप्पी तोड़ी तो ज़रूर, लेकिन उनका ना नाम लिया ना उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताया। हम चाहेंगे इस खबर के बाद आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, उनको थोड़ा सा और बढ़ाएं, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों के नाम शामिल करें,
इसके साथ साथ आप चिदंबरम जी का जो नाम है एफआईआर पे उसको भी उस पर भी आप गौर फरमाएं, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करें। ये मामले बहुत छोटे छोटे नहीं हैं, ये मामले बहुत बड़े हैं मोदी साहब। हम चाहेंगे आप इस इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लें और अमित शाह के जो बेटे जय शाह की जो खबर थी उस पर भी आप ध्यान दें। हालांकि आप ही के पार्टी के आपके साथी हैं, आपके बहुत करीबी हैं अमित शाह, लेकिन उनके बेटे ने अगर कुछ गलत काम किया है तो उनको भी जेल में जाना चाहिए। बने रहे हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको वो तमाम खबरें दिखाता है जो कोई भी नेशनल या फिर स्टेट मीडिया दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। नमस्कार।